और हम आपको बता दें ऐसा पहले हो चुका है, 3 बार अभी हाल ही में ऐसा हुआ है जब सबसे बड़ी पार्टी की एक राज्य में नहीं बनी सरकार। कुछ बेहद दिलचस्प आंकड़े आपको दिखाते हैं, 1 साल के अंदर 3 राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी की सरकार नहीं बनी, कहां कहां ऐसा हुआ ये आपको बताते हैं। गोवा में कांग्रेस को 40, बीजेपी को 13, सरकार बीजेपी की बन जाती है 13 सीटों पर, बावजूद इसके कि कांग्रेस वहां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। मणिपुर में कांग्रेस को 60 में से 28, बीजेपी को 21, सरकार मणिपुर में एनडीए की बन गई। हम आपको बता दें कांग्रेस पार्टी की उसमें गोवा में 17 सीटें गोवा में कांग्रेस पार्टी की थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। अब मेघालय की बात करें तो कांग्रेस को 60 में से 21 सीट मिली, बीजेपी को सिर्फ 2, लेकिन सरकार एनडीए की बनी और गठबंधन बाद में हुआ, नतीजे आने के बाद। 1 साल के अंदर 3 राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी की सरकार नहीं बनी है। बीजेपी लिए इसलिए भी चिंतित है क्योंकि जहां जहां सबसे बड़ी पार्टी की सरकार नहीं बनी वहां बीजेपी ने ही सरकार बनाई, इसीलिए अब बीजेपी ये रिस्क कर्नाटक में नहीं लेना चाहती है। यही सबसे बड़ी बात जो हम आपको बता रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद 1 साल के अंदर 3 राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी की सरकार नहीं बनी। वही मैं कह रही हूं कि इसीलिए बीजेपी चिंतित है, ये दाव उन्होंने ही खेला था और कांग्रेस ने कर्नाटक में उनसे पहले खेल दिया। आपको लग रहा है नेहा कि वो चिंतित है, मुझे नहीं लग रहा कि वो चिंतित है, मुझे लग रहा है कि ये राज्यपाल के विवेक पर है और राज्यपाल जो तय करते हैं वही सही होता है। पर मैं ये जब सारी बातें सुन रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है 1996 में जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे तब सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी, आज सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। दूसरे नंबर की पार्टी थी कांग्रेस, आज दूसरे नंबर की पार्टी है कांग्रेस। तब जेडी थी, जनता दल थी, वो तीसरे नंबर की पार्टी थी, आज जेडीएस है। 22 साल बाद क्या उनके बेटे बन पाएंगे? मुझे लग रहा है वो नहीं बन पाएंगे। क्या लगता है आपको? मुझे भी लगता है वो बन नहीं पाएंगे क्योंकि जिसने बोला बीजेपी को चिंता नहीं है, चिंता जेडीएस को है, वो 38 कैसे संभाल के रखे, और ये 38 आज जा सकते हैं, कल जा सकते हैं, परसों जा सकते हैं, सब करोड़पति है, सब कैसे और 78 कैसे संभाल के रखे क्योंकि दोनों को खतरा है भाई। 78-38 कैसे संभाले कांग्रेस जेडीएस? आपने अभी ये बोला कि सबसे बड़ी पार्टी नहीं होने के बाद भी उन्होंने सरकार बना दी, तो अब तो सबसे बड़ी पार्टी है। बताइए रिफत जावेद साहब, सबसे बड़ी पार्टी है और जाने देंगे जीत को हाथ से, ऐसा कैसे? नहीं, हम यहाँ पे नैतिकता क्यों देख रहे हैं? देखिए ये तमाम चीज़ कोई ब्लैक एंड व्हाइट रूल नहीं है। सरकार गवर्नर किसको बुलाएगा? गवर्नर बीजेपी का है और जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि जब ये माइनॉरिटी में रह करके सरकार बना सकती है बीजेपी, तो यहाँ तो 100+ है, ये कैसे बनाने देंगे? मतलब तय माना जाए ना जिलानी साहब, 2 सीटों पर अगर सरकार बना दी तो फिर यहाँ पर 104 पर नहीं बनाएंगे क्या? संवैधानिक तौर पर गवर्नर बीजेपी का तो नहीं, उनको मैं करेक्ट कर दूँ, और जब उनके बड़ी पार्टी है। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं, गवर्नर ये बात तो सही है ना, संवैधानिक पद तो है, हमें मर्यादा तो रखनी पड़ेगी ना। नहीं, गवर्नर संवैधानिक पद यदि होता तो कई जगह गवर्नर के ऑफिस से एजेंडे चलते हैं। देखिए मैं नहीं ये कह सकते हैं, ये इनका आकलन है, लेकिन देखिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और बीजेपी की सरकार बन रही है, जैसे हमारे सीनियर पत्रकार महोदय, 3 बार नहीं बनी ना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की सरकार, बनेगी क्योंकि बीजेपी है। बीजेपी नहीं बनेगी, देखिए जो जनता की जो गलतियां गवर्नर ने अलग अलग 3 बार की, ये गवर्नर वो गलती नहीं करेंगे। देखिए पहली चीज तो ये है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बीजेपी चिंतित नहीं है जो दिबांग ने कहा, क्योंकि अगर चिंतित नहीं होते तो पार्टी के 3 दिग्गज बेंगलोर के लिए रवाना नहीं होते। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी खेमे में हलचल ज़रूर है, कांग्रेस ने जो दाव खेला उसके बाद। ये बात अलग है कि बीजेपी की सरकार बनेगी नहीं बनेगी, राज्यपाल उनके साथ हैं कि क्या होता है ये तो बाद में, लेकिन फिलहाल सियासी हलचल अच्छी हो, सियासी हलचल बहुत तेज है, रोमांच बहुत ज़्यादा है। बीजेपी जब इससे उभरी कि हम पे हरा रंग किसने डाला, उसके बाद हरकत में आई, मिली है अब जाकर के राज्यपाल से, येदियुरप्पा मिलकर आ गए हैं और कुमारस्वामी की इस वक्त राज्यपाल से मुलाकात। कर्नाटक में बेहद दिलचस्प ये पूरा नतीजा जो है ये बनता जा रहा है, 32 और सीटों पर अभी नतीजे आने बाकी हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।